बहुत स्पेशल दिन है आज, मतलब अभी रात हो रही है, कल होगा बहुत स्पेशल दिन, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं अपने घर वालों से नहीं मिला। पिछले साल मेरा प्लान था मैं पाकिस्तान जाऊं, मगर आप लोगों को पता है पूरी दुनिया बंद हो गई थी, तो आज वो दिन है। पूरे 2 साल 11 महीने और कुछ दिन हो गए, मतलब 3 साल होने वाले हैं, और अब मैं पाकिस्तान जा रहा हूं। चलो भाई, एयरपोर्ट आ गया। ओके, तो अपडेट, मैं एयरपोर्ट आ चुका हूँ। अभी मैं काफ़ी जल्दी आ गया हूँ क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट थोड़ा दूर था, और अभी काफ़ी देर है मेरे चेक इन शुरू होने में, मगर अभी तक मेरे किक इन नहीं कर रहा है ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि अभी तक मेरी बॉडी को या मेरे दिमाग को अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि मैं जा रहा हूँ। तो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट घर वालों को मतलब किसी को भी हल्का सा भी अंदाज़ा नहीं है। 3 साल से मैं नहीं गया, और मैं उनसे बोला हाँ करोना बस ख़त्म हो जाए तो फिर मैं आऊँगा, मगर मुझे शक है कि जो मेरे वालिद साहब है ना, इनको पता है, मतलब ये इनका रिएक्शन, अम्मी का तो चलो रिएक्शन अच्छा हो गई, मैं इन सबको सरप्राइज़ करूँ क्योंकि 3 साल बाद किसी को कुछ भी नहीं पता, तो अम्मी का तो रिएक्शन, अम्मियों का तो, अम्मियाँ तो सबकी एक जैसी होती है, मगर पापा का कैसा रिएक्शन होगा मुझे ये देखना है, क्योंकि वो ऐसा होगा, मैं अभी बताता हूँ। आ गए हो और बैठो, चलो थोड़ा शायद गले वले मिलने हैं। ओके, बोर्डिंग हो गई मेरी फाइनली। फ्लाइट थोड़ी सी डिलेड है, आई डोंट नो व्हाई, मगर अब थिंग्स आर गेटिंग रियल। बाद में बात करेंगे, टू मच एक्साइटमेंट गोइंग ऑन। ओके, तो अपडेट, मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूँ। इसके बाद अब मेरी एक फ़्लाइट है डायरेक्ट कराची, यहाँ से कराची, तो आई होप वहाँ भी मैं सही से पहुँच जाऊँ। बहुत यहाँ गर्मी है अभी, यहाँ जैसे ही मैं लैंड कर रहा ना, तो मुझे अचानक से मस्जिद का साइन देखा, मैंने बोला आ गए, पहुँचने वाला हूँ बस। ओके, तो फ्लाइट अपडेट, मैं अब इस्तांबुल टू कराची में बैठ गया हूँ, और इतने सारे पाकिस्तानी मैंने बहुत लंबे अरसे में एक साथ नहीं देखे, और सारे कंप्लेन कर रहे हैं यार हमें ऐसी सीट मिल गई, कि यार हमें तो ऐसी सीट मिल गई और हमें विंडो सीट नहीं मिली, और ये और वो, इतनी कंप्लेन मस्त आर। चलो भाई, फाइनली आई एम इन पाकिस्तान, कराची एयरपोर्ट लैंड कर चुका हूँ मैं, तैयारी के लिए लैंडेड। ओके जी, तो मेरे माँ बाप मेरे बाहर जाने के सख्त खिलाफ थे, कहते थे जो करना है पाकिस्तान में करो, हम तुम्हारा साथ देंगे, और नेचुरली फिर मैं अपने बचपन में अपने माँ बाप के खिलाफ हो गया। ये बात मुझे उस टाइम समझ नहीं आती थी, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे बहुत चाहते थे और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, और जब मैं बाहर चला गया, मेरे माँ बाप ने फाइनली गिव अप कर दिया, मुझे इजाज़त दे दी, तो फिर मुझे अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस फेस करना पड़े। मैं जिस दाल और चावल से भाग कर पाकिस्तान से गया था, वही दाल चावल को मैं याद करता था, और मैं हमेशा सोचता था कि जब जब कभी भी मैं पाकिस्तान जाऊँगा, मुझे मौका मिलेगा। पिछले साल मुझे जाना था, मगर वो 1 साल और पेंडेमिक की वजह से लेट हो गया, तो मैं सोचता था जब भी मैं जाऊंगा, मैं चुपचाप पीछे के दरवाजे से किचन तक जाऊंगा और मैं चिल्लाता हुआ निकलूंगा, यार आज फिर से दाल चावल बना दिए। मगर जब आप फ्लो में होते हो ना, जब मैं फाइनली अपने घर पहुंचा और मैंने घर देखा, तो मैं सब कुछ भूल गया, सारी मेमोरीज भूल गया। मैंने सोचा था मैं पीछे वाले दरवाजे से जाऊंगा, अपने घर के अंदर चुपचाप घुसूंगा, सबको सरप्राइज़ करूंगा, काफ़ी रात हो रही थी, मगर फिर मैं जब पीछे पहुंचा तो वो दरवाज़ा बंद था। मैं इतने में सामने आया, मुझे अपना भाई नजर आया, पहला सरप्राइज। ओके, मेरा पहले प्लान था कि मैं पीछे के दरवाजे से अंदर जा।
और फिर जब मैंने सबको जमा कर लिया, सबको एक एक करके सरप्राइज कर दिया, फिर मैं फाइनली अपने माँ बाप के कमरे में गया और मैं सारे चीजें भूल गया, सरप्राइज कहना तक मैं भूल गया। बस मैंने नॉक करा और मैं अंदर घुसा, मैंने बोला हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? सबके वाले साहब ऐसे होते हैं ना कि बहुत सिंपल से होते हैं, अपने बच्चों को ज्यादा दिखाते नहीं है कि वो कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे, मगर वो इनसाइड बहुत ज्यादा करते हैं आपसे मोहब्बत। तो मैं सोच रहा था, मगर जैसे ही मेरे वाले साहब से मेरा आई कॉन्टेक्ट हुआ, मैंने बस जाके उन्हें गले लगा ली और हम दोनों को पता था हम दोनों इमोशनल हो गए। वैसे तो हम दोनों ही बिल्कुल कभी इमोशनल नहीं होते, बहुत ज़्यादा सख्त लौंडे हैं, मगर उधर हम दोनों भी पिघल गए। जब आप बाहर चले जाते हो, आपको फिर रियलाइज़ होता है कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते थे कि वो आपको दुनिया फेस करने ही नहीं देना चाहते थे, और फिर आप कितने स्टबर्न थे कि आप फिर भी अड़ गए कि नहीं मैं तो करके ही रहूँगा, और फिर आप उसमें कितना सफ़र करते हो और अपनी ज़िंदगी से सीखते हो। मगर इसी का नाम ज़िंदगी है कि जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते और खुद से जब तक आप मेहनत नहीं करते और सफ़र नहीं करते ना, तब तक आपको वो चीज़ हासिल नहीं होती, और अगर हासिल हो भी जाए तो आप उसको फिर से गंवा बैठते हो कि आपने वो मेहनत नहीं करी होती वो चीज़ हासिल करने के लिए। खैर, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और इसमें से कोई भी बात आपके दिल पे लगी तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड दिस वीडियो। अब नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ मैं पाकिस्तान के बारे में डालूंगा, मुझे अभी अपने दोस्तों को भी सरप्राइज़ करना है, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और फिर आज के लिए इतना ही, आई सपोज तो कल मिलते हैं ना। पीस आउट।